नाम आपके जानना चाहेंगे। हाय, दिस इज प्राजक्ता दलवी फ्रॉम ड्रीम सिटी मुंबई। एंड आई एम राजेश्वरी दीपक पाटिल फ्रॉम रोहा रायगढ़। क्या कहेंगे अप्सरा के बारे में? ऑलरेडी आप लग रही हैं अप्सरा की, आप बन सकती हैं। एक्चुअली अगर मैं अप्सरा मतलब बन गई तो मेरे लिए बहुत लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट होगा ये, और मेरे यहाँ सिलेक्ट होना भी मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है मुझे कि मैं यहाँ सिलेक्ट हो रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये आज फाइनलिस्ट का स्लैश मिला है, क्योंकि ये पहन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम अ विनर, आई विल बी अ विनर, आई विल वर्क हार्ड फॉर दैट। मैडम से हमने बात किए है, गाइडेंस लिया उन्होंने आज हमें बहुत अच्छे से मतलब है बताया कि कितना सेकंड का इंट्रो होना चाहिए, कैसे खड़ा रहना है, कैसे वॉक करना है, सो शी इज़ हेल्पिंग इन दैट। मैम से हमें बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिले हैं, और द वे हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, वो सब कुछ मतलब और भी हमारा इम्प्रूव हो रहा है मैम से। मिसेज अप्सरा आप क्यों बनना चाहती हैं, कोई वजह है या कोई ड्रीम था आपका? मेरा ड्रीम पहले से ही है कि मुझे एक क्राउन चाहिए मेरे सर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेल्फिशनेस में कहूँगी कि मुझे फेम चाहिए, ठीक है। फेम इसलिए चाहिए क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर्स बाय हेल्पिंग अदर्स, एंड ये मेरा हमेशा, मैं अभी भी फिलहाल मैं एक चैरिटी के लिए हेल्प कर रही हूँ, बट आई थिंक व्हेन आई विल गेट अ फेम तो मैं और चैरिटीज़ को हेल्प कर सकती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू डू दैट। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने और मैंने बहुत बहुत हार्डवर्क किया है मेरा करियर सेट करने के लिए, और मेरे मॉडलिंग करियर में मेरा मॉडलिंग करियर अभी अभी स्टार्ट हुआ है। सो मैं जो लोग मुझे और मेरे पेरेंट्स को जो बोलते हैं कि यार पास कर लो, लड़की बड़ी हो रही है, छोड़ दो ये सब, उनको दिखाना है कि लड़की बड़ी हो रही है उसके साथ उसका नाम भी बड़ा हो रहा है, यही मुझे दिखाना है। कितनी मेहनत की आप लोगों ने अभी तक? अभी तक तो सब कुछ मेहनत नहीं किया है, पर इतना है कि इसमें ये 3 दिन जो है ना, ये पूरा फोकस इसमें ही डालना है। एक्चुअली मैंने ही नहीं, मैंने मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए, और मैं बहुत मतलब मेरे पेरेंट्स को भी थैंक्स कहूँगी कि मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब मैंने आज तक जो भी करना चाहा वो मतलब उन्होंने हर चीज़ में मेरा सपोर्ट किया। मैडम के लिए कोई एक वर्ड आपके? मैंने अभी जब से उनसे मिली हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी उनकी, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, और कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे से हो रहे, फ्रेंडशिप अच्छे से हो रहे, मतलब उनको मैंने जब से देखा है ना, नहीं जब से वो आए तब से सिर्फ स्माइल, सबको स्माइल ही एकदम मतलब ग्रीट करे, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से मैंने सीखी कि हाँ हर किसी के पास स्माइल करो करके। मैम पहले तो मैं मैम को थैंक्स कहना चाहूँगी, बिकॉज उनके थ्रू हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम मॉडलिंग करियर में हमारा नाम और बढ़ा सके, और सो और वो बहुत बहुत प्रीटी है, एंड मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशंस ली है, मतलब हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, वो सब उन्होंने हमें इंट्रोडक्शंस दिए हैं, सो थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए, उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे जो मतलब जो लड़कियाँ लकी नहीं हैं जिनको मना करते हैं, कोई मैसेज होगा उनके? हाँ ज़रूर होगा, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि कुछ मतलब कुछ लोग समझते हैं कि लड़कियाँ बोझ होती है, उन्हें ये सब कुछ करना नहीं होता, जस्ट उन्हें बड़ा करो और उसकी शादी करो, बस उतना ही होता है, पर प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है, और जैसे अगर आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनको सपोर्ट करोगे तो फिर आपका भी नाम रोशन होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही नाम रोशन होगा, या फिर वो शादी करके ससुराल जाएगी तो फिर अपने पति का ही नाम रोशन करेगी, उनके साथ आपका मतलब उसके पेरेंट्स का भी नाम रोशन होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करो और उन्हें उनकी लाइफ जीने दो। सेम, सपोर्ट करो, अपने बच्चों को मत रोको, क्योंकि उनके जो सपने हैं वो आपसे ही जुड़े हुए रहते हैं, बच्चे आपके लिए सोचते हैं, ये पेरेंट्स का भी कोई कोई गलत नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों का सोच के करते हैं, बट कुछ तक ऐसा रहता है ना कि बच्चे भी पेरेंट्स के लिए सोचते हैं, तो आप दोनों मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करो तो बच्चा भी आगे बढ़ेगा और आपको भी आगे बढ़ा के लेके जाएगा। थैंक यू।